आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना आई है कि अभी हाल ही में समुद्र वैज्ञानिकों ने खोजा है जंगल और यह जंगल खोजा है समुद्र के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर एक विशाल काय जंगल मिला है और भारत के क्षेत्रफल से दोगुने आकार में बड़ा है ये और ग्लोबल वार्मिंग से जंगलों को खतरा पैदा होने लगा है तो इन सही पॉइंटों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को ताकि आपको इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें तो देखिए महत्वपूर्ण सूचना आई है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक सामान्य नॉलेज के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो समुद्र के अंदर मिला विशाल का जंगल तो ये जंगल खोजा गया है समुद्र वैज्ञानिकों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट साउर्दन रीफ में मौजूद है ये जंगल यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास यह जंगल खोजा गया है और यह विशाल का जंगल है और आपको बता दें कि इसी प्रकार जैसे जंगल आपका ये खोजा गया है समुद्र में तो महाद्वीप पर भी इसी प्रकार के जंगल आज भी मौजूद हैं जो कि विशाल का जंगल हैं जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में काफ़ी जंगल मौजूद हैं जो कि जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की जो पेटी है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा और यहाँ से ही विश्व की 20% परसेंट ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है यानी कि भूमध्य रेखी बर्षा वन के नाम से जाने जाता है तो इसमें जो है जो एरिया लगता है भूमध्य रेखी बरसा वन की पेटी में वह आपकी दक्षिणी अमेरिका के जो ब्राज़ील के जंगल हैं जिन्हें हम अमेजन बेसिन के नाम से जानते हैं तो ये भी काफ़ी बड़ा जंगल है जो जो कि एक महाद्वीप पर मौजूद हैं इसी प्रकार अफ्रीका में कांगो बेसिन के जंगल जो कि भूमध्य प्रदेश के घने जंगल हैं इसी प्रकार भूमध्य रेखी पेटी जो है इंडोनेशिया के जो जंगल हैं ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं तो जैसे महाद्वीप पर ये जंगल मौजूद हैं इसी प्रकार के जंगल समुद्र के अंदर समुद्र वैज्ञानिकों ने खोजे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट साउदर्न रीप में मौजूद हैं और आपको बता दें कि पहली बार वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के समुद्री जंगलों का नक्शा तैयार किया है इस बार तो ये जब ये नक्शा तैयार कर रहे थे और पूरी इसमें जानकारियां एकत्र कर रहे थे तो यहाँ पर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक विशाल काय जंगल की खोज की गई है और आपको बता दें कि एक जंगल महाद्वीप पर और मिलते हैं जो कि बोरियल बन के नाम से जाने आते हैं बोरियल बन कनाडा से लेकर रूस तक की जो पेटी है उसमें मिलते हैं यानी कि लगभग पचास डिग्री उत्तरी अक्षांश से सत्तर डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में मौजूद हैं बोरियल बन को हम टैगा बन के नाम से भी जानते हैं जो कि महाद्वीप पर विशालकाय जंगल मौजूद हैं और जिस प्रकार महाद्वीपों पर जंगलों में जीव जंतु की विविधता मिलती है उसी प्रकार ये जो विशाल का जंगल मिला है समुद्र के अंदर यहाँ पर जीव जंतुओं की काफ़ी मात्रा या प्रजातियाँ मिलती हैं यानी कि जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी सक्षम हैं तो आपको हम बता दें कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज जंगल जो हैं धीरे धेर धीरे समाप्त होने लगे हैं यानी कि महाद्वीपों पे जंगलों की संख्या कम होने लगी है क्योंकि कई बार विशालकाय जंगलों में आग की घटना देखी जाती है क्योंकि ये सब क्या हैं जलवायु परिवर्तन से वैज्ञानिक जोड़ रहे है हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है तो इसी प्रकार महासागर का टेम्परेचर बढ़ने से समुद्र के जंगलों पे भी असर पड़ने लगा है और समुद्र के अंदर के जंगल हैं इसमें मौजूद जैव विविधता पर भी संकट मंडराने लगा है तो आज वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि धरती के बढ़ते टेम्परेचर के लिए मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग वीडियो शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद